हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ अ वीडियो ऑन मेडिवल इंडिया। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आर 2020 सीरीज़ और हम लोग फास्ट में मेडिवल इंडिया के बारे में फटाफट रिविजन कर लेंगे। तो बेसिकली मेडिवल इंडिया जो है स्टार्टेड फ्रॉम 8th and 18th century AD। तो 8th to 18th century AD के बीच का जो काल है वो मेडिवल इंडिया का पीरियड है। इसमें थ्री पीरियड्स है, एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड जो 8th century to 12th century है, और लेटर मेडिवल पीरियड जो है 12th century to 18th century। सो बेसिकली देर आर टू मेडिवल पीरियड्स एंड द अर्ली मेडिवल पीरियड इज बिलोंगिंग टू द राजपूत्स। सो द राजपूत पीरियड इज फ्रॉम 647 AD to 1200 AD। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज दैट एंशिएंट इंडिया जो है अपना वो हर्षवर्धन के समय पे के बाद ख़त्म हो जाता है और मेडिवल इंडिया का स्टार्ट होता है। तो हर्षवर्धन का आपको पता ही होगा कि ही वॉज अ राइटर ऑल्सो। सो ही रोट प्रियदर्शिका, देन नागनंदा एंड रत्नावली। सो बेसिकली दैट वॉज अबाउट हर्षवर्धन। सो नाउ वी विल फोकस ऑन मेडिवल इंडिया। सो मेडिवल इंडिया में न्यू किंगडम्स एंड डायनेस्टीज केम आफ्टर हर्षवर्धन एंड इट स्टार्टेड बेसिकली अराउंड 8th century। सो द किंग्स एक्नॉलेज देम एज समंथास। तो ये जो लैंडलॉर्ड थे, वॉरियर चीफ्स थे, इनको किंग्स समंथास कहते थे एंड दे रिसीव्ड गिफ्ट। दिस किंग्स रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम दिस समंथास हु प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग्स इन नीड। दे ऑफन डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासमंथास एंड महादलेश्वरास। फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकुतास इन डेक्कन एंड हु वर इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। इन मिड 8th century दे गेन कंट्रोल ओवर द लैंड। तो और फिर ब्राह्मीण रूलर्स कुछ थे नीचे अपने कर्नाटक में कडम्बा और राजस्थान गुजरात एरिया में गुर्जरा प्रतिहारा। तो एक ट्राइपरेट स्ट्रगल मेनली देखो कन्नौज के ऊपर जो कंट्रोल पाता था वो सुप्रीमेसी पाता था पूरे ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया पे। तो तीन स्ट्रगल ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल थे बिटवीन द राष्ट्रकुतास, द पालास एंड द गुर्जारास। सो व्हाट वी सी दैट दिस कम्स ऑन टू द एंड ऑफ द 8th century। सो दिस स्ट्रगल वाज हैज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन दिस सेंचुरीज। सो एज वी हैव सेड दैट द राजपूत पीरियड इज फ्रॉम 750 AD to 1200 AD and this period is characterized by the lack of unity in the kingdoms and hence we have the foreign invasions. Okay, so basically first we will see the Palas of Bengal. So what we have some important points, like the Pala dynasty was founded by Gopala in 750 AD. He was succeeded by his son Dharmapala. This is the guy who revived the Nalanda University. Okay, एंड ही फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो आज के भागलपुर एरिया में है बिहार के। तो याद रखिएगा धर्मपाला जो है ही रिवाइव नालंदा एंड ही फाउंडेड विक्रमशिला एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई देवपाला एंड दिस देवपाला बिल्ड द फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। ओके, नेक्स्टली द पालाज पेट्रोनाइज द बुद्धिज्म एज वी हैव सीन दिस नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड there were followers of Mahayana and Vajrayana schools of Buddhism. So Proto-Bengali literature and arts flourished during this period because these were from Bengal, right? The UNESCO World Heritage Site, Sobapura Mahavira, which is now in Bangladesh, was constructed during the Pala reign. Okay, they ruled over parts of the modern day Bengal and Bihar. The Palas were succeeded by Sena dynasty. सो वॉट वी सी इज सेना डायनेस्टी में लक्ष्मण सेना जो थे किंग, उनमें ऑथर जयदेव होके गए जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। नेक्स्टली दिस वॉज अबाउट पालास। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द प्रतिहारास। सो दिस प्रतिहारास वर फ्रॉम द 8th century to 11th century AD एंड देवर ऑल्सो नोन एज गुर्जरा। ओके, एंड दे रूल्ड द नदर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया एंड what we are seeing is that important ruler of this pratiharas was Mihir Bhoja and let me tell you that the founder of the pratihara was Nagabhatta I and their capital was Kannauj. Okay, now what we see is Nagabhatta first ruler jo the and he was the guy who defeated Arab Muslim rulers of Sindh
and prevented them from capturing central India. Then he was succeeded by Devaraja, Vatsaraja and Nagabetta II. So peak जो था गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर में वो पीक के टाइम में ईस्टर्न पंजाब अवध आगरा ग्वालियर और राजस्थान ये सब उनके अंडर रहा करते थे. और जैसे कि फेमस रूलर मिहिर भोजा जो था ही रूल फ्रॉम 840 टू 890 AD एंड ही टुक ओवर द एम्पायर टू इट्स पीक ग्लोरी. ही मेड कन्नौज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन इंडिया एंड ही हैड अ लार्ज आर्मी. ही वॉज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. ही वॉज हिमसेल्फ अ वैष्णवाइट बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स. He was succeeded by Mahendrapala, who maintained the empire. फिर मुझे याद रखिएगा प्रतिहारास में. अभी हम राष्ट्रकूटास की तरफ मुड़ते हैं. राष्ट्रकूटास के बारे में कहा गया है कि दंती दुर्ग जो थे वो इनके पहले फाउंडर थे एंड ही मेड इज कैपिटल एट मालखंड और मालखेड़ जो आज के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक में वहाँ पे है. थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है चल जाएगा ना. द राष्ट्रकूटास बिल्ट द फेमस कैलाशा टेम्पल एट एलोरा. तो एलोरा आपको पता रहेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइज है महाराष्ट्र में जो है. एलोरा और अजंता में फ़र्क आपको पता रहना चाहिए कि एलोरा जो है वहाँ वो एक सेकुलर है. मतलब कैसे कि वहाँ पे जैन बुद्ध और हिंदू तीनों प्रकार की रचनाएं दिखती है लेकिन अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट रचनाएँ दिखती है. ओके एंड नाउ वी विल गो टू सम अदर रूलर्स लाइक द सोलंकीज ऑफ गुजरात. ओके द सोलंकीज जो थे देवर फ्यूडेटोप्रीज ऑफ प्रतिहारास जो लेटर अराउंड 10th सेंचुरी में आए थे एंड दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस अंडर देयर चीफ मूल राजा. ओके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता रहना है तो अच्छा है. सोलंकी कैपिटल जो है वो अनहिलवाड़ा में है और वहाँ का एक भीम रूलर थे वो फेमस है और ही वॉज द विटनेस ऑफ द गुजरात इन्वेजन लेड बाय महमूद ऑफ गजनी. तो जब महमूद ऑफ गजनी आए थे गुजरात इन्वेजन किया था तब अपने हीरो थे कौन भीमा. द ग्रेटर रूलर ऑफ सोलंकी वॉज कुमारपाला आफ्टर हुज डेथ दैट किंगडम डिक्लाइंड. ओके नाउ वी मूव टुवर्ड द सिसोडियाज ऑफ मेवाड़ इन द अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. ओके तो बप्पा रावल वॉज द फाउंडर ऑफ द सिसोडिया किंगडम एंड ही सेटअप चित्तौड़ एज इज कैपिटल एंड ही रीच द हाइट ऑफ इट्स पावर. मेवार रीच द हाइट्स ऑफ द पावर अंडर द रूल ऑफ रानकुंभा एंड हिज ग्रैंड सन रानसंगा. तो रानकुंभा डिफिटेड द मुस्लिम रूलर ऑफ मालवा एंड बिल्ट विजय स्तंभ टू कमेमोरेट द विक्ट्री इन चित्तौड़. नाउ कुंभ के बारे में क्या है कि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर म्यूजिशियन पोएट एंड बिल्डर. ओके और उनके जो सक्सेसर थे महाराणा प्रताप वी नो अबाउट हिम दैट ही फॉट अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स एंड ही डिड नॉट सबमिट टू देम. बट हल्दीघाटी की लड़ाई तो आपको पता ही होगी जो फेमस है महाराणा प्रताप को लेके जो. और अभी हम मुड़ेंगे अरब इन्वेजन्स की तरफ कि जैसे कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया वहाँ से सब लोग आए थे इन्वेड किए थे यहाँ पे लूट मचाई थी कुछ रहे यहाँ पे कुछ चले गए. तो अरब इन्वेजन्स में हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द कालिफत ऑफ उमर अरब फोर्सेस मेड फर्टाइल अटेम्प्ट्स टू गेट बॉम्बे. ओके बॉम्बे क्यों ये ट्रेड वेड के लिए. ओके अरब्स कैप्चर्ड सिंध इन 712 AD. द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का कॉन्क्वेस्ट ये किया था और 712 में AD में उसको कैप्चर किया था. नाउ मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ नेफ्यू ऑफ अल हजाज वॉज द गवर्नर ऑफ द अरब प्रोविंस ऑफ बसरा. बसरा कहाँ पे इराक में है इराक में. ओके और दाहिर जो था एक ब्राह्मीन ही वॉज द रूलर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम एंड ही वॉज किल्ड बाय दिस कासिम. ओके दिस अरब्स लॉस्ट कंट्रोल ओवर सिंध इन 779 AD एंड द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध रिजल्टेड इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम टू नॉर्थ इंडिया. बट इस्लाम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मलिक इबन दिनार इन केरला इन 644 AD. जो तो अरब ट्रेडर्स वगैरह आया करते थे केरला में तो वहाँ पे इस्लाम पहले ही इंट्रोड्यूस किया था 644 AD में. ओके अब हम उड़ेंगे टर्किश इन्वेजन्स. तो पहले हमने देखा अरब इन्वेजन्स अब हम देखेंगे टर्किश इन्वेजन्स.
तो गजनी इन अफगानिस्तान वॉज रूल्ड बाय अ टर्किश फैमिली कॉल्ड एज गमिनी ऑफ गजनावी डायनेस्टी। तो मोहम्मद गजनी जो था ही वॉज द फर्स्ट टर्किश कॉन्करर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मोहम्मद गजनीज फादर वॉज सुबू किटिजिन। ही अटैक्ड इंडिया ओनली फॉर द वॉन्ट ऑफ वेल्थ। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1027 AD। तो देख रहे हैं 17 बार इन्होंने अटैक किया था। ही मेड ऑल द रेड्स इन द गाइज ऑफ जिहाद। तो जिहाद के नाम पे उन्होंने ये इन्वेड किए थे, रेड्स किए थे। एंड फर्स्ट इन्वेजन वॉज इन 1001 AD। एंड दिस गाय डिफिटेड जयपाल एंड आनंदपाल ऑफ शाही डायनेस्टी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेड ऑफ मोहम्मद वॉज द सोमनाथ एक्सपेडिशन। सोमनाथ मंदिर पे ये लोग ने अटैक किया था एंड इट वॉज इन 1025। तो बेसिकली लूट बचाने के लिए ये था सब था। ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द टेम्पल। तो अब और सोमनाथ टेम्पल वॉज ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, यू नो दैट। मोहम्मद गजनी डाइड, ओके नॉट इम्पोर्टेंट। लेटर हिज सन मसूद अटैक्ड इंडिया एंड कैप्चर्ड कश्मीर। द फेमस पर्शियन पोएट फिरदौसी हु रोट शाहनामा लिव्ड इन हिज कोर्ट। तो ये गजनी के टाइम में फिरदौसी जो था वो जिसने शाहनामा लिखा है द बुक ऑफ द किंग्स वो था। फिर अभी ही अलबेरूनी एंड अरब हिस्टोरियन ही केम एंड ही रोट तारीखुल हिंद, तो रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। तो ही वॉज अकम्पनीड ही अकम्पनीड मोहम्मद गजनी टू इंडिया। ओके, अल फिरदौसी इज नोन एज ए इंडियन होमर, पर्शियन होमर और द इमोर्टल होमर ऑफ द ईस्ट। ओके, तो ये फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा याद रखो, पूछ ले सकते हैं, आ जाएगा। और मोहम्मद ऑफ घोरी अटैक्ड इंडिया बिटवीन 1175 एंड 1206। तो मोहम्मद ऑफ गजनी अलग है, मोहम्मद ऑफ घोरी अलग है, तो ये मिक्सअप मत करना। ओके, एंड ही वॉज द फर्स्ट, ही मेड हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू इंडिया एंड ही कैप्चर्ड मुल्तान इन 1175 AD। तो मोहम्मद घोरी का बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो था वो 1191 में हुआ था। और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो था उसमें ही वॉज असिस्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव एंड दे डिफिटेड पृथ्वीराज चौहान एंड किल्ड हिम, यू नो दैट स्टोरी। ओके, तो वो जो था उसका जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान के वाइफ का बाप, ही हैड हेल्प मोहम्मद घोरी बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द लव अफेयर ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड इज सहयोगिता। सो दैट्स द स्टोरी पार्ट। बट बेसिकली यू हैव टू नो दैट देर वर टू बैटल्स एंड टू बैटल्स ऑफ टेरेन। एंड इन फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफिटेड मोहम्मद घोरी एंड इन सेकेंड बैटल ही वॉज डिफिटेड। ओके, सो नाउ बट आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि ये मोहम्मद घोरी जो है उसने जयचंद पे भी अटैक कर दिया और जयचंद वॉज डिफिटेड। सो वो कैसे, उसने बोला कि जो आप लोग का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, एंड काइंड ऑफ ही अटैक्ड हिम एंड बीच चौराहे पे उसको लटकाया गया था, ऐसा स्टोरी है। और मोहम्मद घोरी जो है ही रिटर्न फ्रॉम इंडिया बाय इंटरेस्टिंग हिज टेरिटरीज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था एंड दैट इज द टाइम फ्रॉम वेन वी स्टार्ट द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। सो 1206 में ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी फाइंड किया एंड दिस वॉज बेसिकली वेन फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया हैपेंड। ओके, सो हियर इज वेयर वी स्टार्ट विद द दिल्ली सल्तनत। तो पहले हमने देखा था कि अर्ली मेडिवल टाइम में हम लोग ने तीन एम्पायर जो इम्पोर्टेंट थे वो देखे थे, द पालास, लेटर ऑन द प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूतास। एंड देन वी सॉ द अरेबियन इन्वेजन, द टर्किश इन्वेजन, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत। ओके, सो दिल्ली सल्तनत द फर्स्ट फाइव डायनेस्टीज विच हु फाउंडेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर द टर्किश इन्वेजन पर कलेक्टिवली नोन एज दिल्ली सल्तनत। ओके, तो पहला था स्लेव डायनेस्टी, इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, तो एम याद रखिएगा, ममलुक डायनेस्टी। फिर है खिलजी डायनेस्टी, फिर है तगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी। सो इफ यू वॉन्ट टू काइंड ऑफ मेक अ निमोनिक, सो इट्स लाइक MKTSL। सो एम फॉर ममलुक, के फॉर खिलजी, टी फॉर तगलक, एस फॉर सैयद एंड एल फॉर लोधी।
सही स्लेव डायनेस्टी के तरफ हम मुड़ते हैं एंड दिस वॉज फ्रॉम 1206 टू 1290 एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलबारी डायनेस्टी, द यामिनी डायनेस्टी और द ममलुक डायनेस्टी. सो बेसिकली हमने देखा पीछे कि ही वॉज अ स्लेव, ही वॉज अ गुलाम ऑफ मोहम्मद गोरी ऐबक एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया एंड द कैपिटल हिज कैपिटल वॉज एट लाहौर एंड ही वॉज नोन एज लख बख्श और द गिवर ऑफ लैक्स और गिवर ऑफ फेवर्स फॉर हिज मैग्नैनिमिटी. मतलब पता चला आपको हसन निजामी वॉज अ फेमस हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ ऐबक, हसन निजामी. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार यू मस्ट बी नोइंग राइट, फ्रॉम 1199 इन दिल्ली इन मेमरी ऑफ द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी याद में वो कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार बना रहा था. ओके, इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड बाई हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश एंड इट्स बेसिकली अ फाइव स्टोरीड बिल्डिंग. देन एक्चुअली वो कुतुबुद्दीन कुतुब कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे. तो देर इज़ अ मॉस्क, देर इज़ अ मीनार एंड देर इज ऑल्सो एन आयन पिलर ओवर देर. इफ यू विजिटेड दिल्ली यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 एंड ही डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स बैक वाइल प्लेइंग पोलो. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड नो इट. आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन आराम शाह असेंडेड द थ्रोन बट ही वॉज डिपोज बाय कुतुबुद्दीन सन ऑफ लॉ सन इन लॉ इल्तुतमिश. एंड इल्तुतमिश जो था उनकी पीरियड है 1210 टू 1236 एंड ड्यूरिंग दैट टाइम चंगेज खान द मंगोल कॉन्करर अटैक्ड इंडिया. तो मंगोल कॉन्करर चंगेज खान कहाँ से आया, चाइना की तरफ से आया. ओके, इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू गेट द रिकग्निशन ऑफ द खालिफ ऑफ बगदाद. ओके, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स. ओके, बट दिस इज वॉट इट इज. इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सल्तनत टू मेक सुल्तान टू मेक दिल्ली एज इज कैपिटल. ही इशूड अ प्योरली अरेबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर एंड वॉज द फर्स्ट टू डू सो एंड ही इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाई हिम. सो सिल्वर थंका एंड कॉपर जीतल ये जो दो बेसिक कॉइन्स थे सल्तनत पीरियड के उसने इंट्रोड्यूस किए थे. एंड ही ऑर्गेनाइज चालीसा. चालीसा मतलब क्या है, 40. सो इट्स अ फेमस टर्किश फोर्टी टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इल्तुतमिश कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बिलो दैट एंड द रेवल्यू सिस्टम ही इंट्रोड्यूस वॉज इक्ता सिस्टम. तो इक्तादारी बोलते हैं उसको. एंड लेटर ऑन ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन बट दिस सन फिरोज शाह वॉज एग्जीक्यूटेड एंड रजिया बिकम द सल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. एंड वॉट दिस रजिया इज कंसिडर्ड एज द मुस्लिम फर्स्ट वुमेन मुस्लिम रूलर इन इंडिया एंड रजिया सुल्ताना वॉज द ओनली रूलर. ओके, एंड शी केम इन 1236 एंड शी 4 साल के लिए उसने राज किया. शी रिजेक्टेड पर्दा सिस्टम, शी अडॉन द मेल हेड ड्रेस एंड हेल्ड ओपन कोर्ट्स. ओके, तो मेल ड्रेस कपड़ा पहनती थी वो और पर्दा सिस्टम को उसने रिजेक्ट कर दिया था. एंड इन 1240 बोथ रजिया एंड अल्तुनिया वो अर्लियर रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट रजिया बट लेटर जॉइंड विथ हर वर बिहेडेड एट कैथाल. ओके, तो ये क्या सब मारामारी काटाकाटी है ये लोग में. आप जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते जाएंगे कैसे भाई भाई का नहीं था और बाप बेटे का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, सब मारामारी थी. ओके, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू यू रिमेंबर ऑल दैट बट ओके फाइन. एंड लेटर ऑन वी हैव बलबन हु वॉज अ स्लेव वाटर कैरियर हंट्समैन. ही वॉज अ नोबल, ही वॉज अ स्टेट्समैन एंड ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1266 एंड कंटिन्यूड फॉर 20 ईयर्स एंड इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ सेकेंड इलबारी डायनेस्टी. तो बलबान जो था वो खुद को शेडो ऑफ गॉड, मतलब भगवान ने मुझे भेजा है, ही इज अ शेडो ऑफ गॉड ऐसा डिस्क्राइब करता था. तो जिले इलाही
is a term associated with Balban. And Balban, because of his autocratic rule, is considered as a typical oriental despot. ओके तो एकदम ऑटोक्रेटिक था, खुद को भगवान मानता था. एंड ही एबॉलिश्ड द चालीसा सिस्टम विच वॉज इस्टेब्लिश बाय इल्तुतमिश. हिज पॉलिसीज आर कंसिडर्ड टू बी ड्रैकोनियन. ही स्टार्टेड द ईरानियन सिस्टम ऑफ सजदा एंड फाइबोस. दिस इज बेसिकली लाइक आप बादशाह को सलाम करते हो, उनके पैर को चूमते हो, ये सब चीज़ें जो सजदा और फाइबोस हैं. And he was a patron of men of letters and showed special favor to the poet Amir Khusro. Amir Khusro जो था ये poet थे और he was called as the parrot of India. और कैसा है कि ये Amir Khusro ने 6-7 राजाओं का दौर देखा है. तो he was some guy who had a great contribution to Indian literature, music and what not. So he was one who established the Hindavi language. Okay, tabla ka khoj bhi inhone hi kiya. Kafi sare books likhe hai, you can see it on Google or some book. Okay, after Balban's death in 1286, Kaikubad became the sultan. And ek factual point ye hai ki Madhavacharya jo the, jinhone dvait philosophy ka racha tha, he got help from Balban. तो द्वैत फिलोसॉफी, तो दिस इज इफ यू गो इनटू इंडियन फिलोसॉफी, स्टार्टिंग में शंकराचार्य ने अद्वैत फिलोसॉफी का फाउंडेशन किया था. फिर वी हैव द माधवाचार्य हु मेड द द्वैत फिलोसॉफी. वी हैव विशिष्ट अद्वैत बाय रामानुजाचार्य. देन वी हैव दैत अद्वैत बाय निम्बारका. वी हैव पुष्टिमार्ग बाय वल्लभाचार्य. So that's a different part, okay. But you have to remember it so it can come as match the column or anything else. Okay, now we will see that Balban's tomb is situated in Delhi, okay. And it was constructed by himself, yeah. And okay, fine, then we have the Khilji dynasty. And Khilji dynasty was founded by Malik Firoz and he assumed the title Jalaluddin Khilji. तो 1290 टू 1320, तो 30 साल तक खिलजी राज चला. और द मंगल्स अंडर अब्दुल्ला एक्सेप्टेड डिफीट फ्रॉम जलालुद्दीन खिलजी इन 1292. एंड फिर इसका नेफ्यू जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने मार डाला जलालुद्दीन को. एंड हिज विक्ट्री ऑन देवगिरी इन आफ्टर हिज विक्ट्री ऑन देवगिरी इन 1296. अलाउद्दीन खिलजी इज अर्ली नेम वॉज अली गुरुशाह. He became the Sultan in 1296 AD and ruled till 1316 AD. So Alauddin Khilji attacked Chittor and the capital of which was the capital of Mewar to marry Padmini, the wife of Chittor King Ratna Singh. Ratna Singh, okay. So movie aa rahi hai abhi, controversy aapko pata hi hogi. But Padmini and other Rajput women committed Johar. Johar kya hai? It's a mass suicide by jumping in fire committed by Rajput women to escape from being polluted by others. तो स्वाभिमान स्वरक्षा में ये जौहर किया जाता है. एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ रिचुअल. एंड पद्मावत इज अ फेमस हिस्टोरिकल काव्य अबाउट पद्मिनी एपिसोड रिटन बाय मलिक महमूद जियासी. ओके एंड दिस मलिक महमूद जियासी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ शेरशाह सूरी. तो सूरी डायनेस्टी वो बहुत पीछे आगे है और तो तभी हम देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में. और अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू अटैक साउथ इंडिया. तो हम देख रहे हैं ना देवगिरी और वो सब, तो डेक्कन भी उसके कब्जे में था. एंड हिज कमांडर मलिक कफूर जो था ट्रांसजेंडर, ही अटैक्ड साउथ इंडिया. और अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. ओके एंड ही बैंड यूज ऑफ लिक्कर. लिक्कर बैन बिहार गुजरात आज का वैसे तभी का. अलाउद्दीन खिलजी हैड अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट सो ही अज्यूम्ड द टाइटल सिकंदरी साणी और सेकेंड अलेक्जेंडर. डिमिट्रिसस बैक्ट्रियन रूलर इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंड अलेक्जेंडर. तो ये फैक्चुअल डेटा है. एंड दिस गाय अलाउद्दीन अबॉलिश जमींदारी सिस्टम. He imposed tax on cattle. He was the first Muslim ruler
to introduce measurement of land for tax assessment. His market regulations were to get goods at controlled price to the people of Delhi. तो ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में थोड़ा निपुण थे एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोक्लेम आई एम द खलीफा आई एम द गॉड आई एम फकी. अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा द गेट वे ऑफ कुतुब मीनार. ओके तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था बख्तियार काकी के सूफी सेंट जो है उनकी याद में और ये बंदे ने अलाई दरवाज़ा बना दिया कुतुब मीनार के सामने. एंड ही बिल्ड द सिटी ऑफ सीरी विच इज़ द सेकेंड ऑफ द सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली नियर कुतुब मीनार. सो द फर्स्ट मैरिज बिटवीन अ मुस्लिम रूलर एंड अ हिंदू प्रिंसेस वॉज बिटवीन अलाउद्दीन एंड कमला देवी द विडो ऑफ द रूलर ऑफ गुजरात. तो ये बंदा जब गुजरात में गया था ही अटैक्ड गुजरात ही किल्ड द किंग ओवर देयर एंड ही मैरिड हिज वाइफ. ग्रेट. अलाउद्दीन खिलजी वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर मलिक कफूर बॉय पॉइजनिंग. वो जो ट्रांसजेंडर था मार डाला अलाउद्दीन खिलजी को पॉइजन देखी. अमीर खुसरो वॉज अगेन द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड ही वॉज कॉल्ड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इज द पैरेट ऑफ इंडिया. ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड द इन्वेंटर ऑफ सितार. लैला मजनू एंड तुगलकनामा आर द फेमस वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो. And Alauddin Khilji was the first sultan to maintain a permanent army, standing army. Alauddin Khilji was responsible for introduction of postal system in medieval India. Mubarak Shah Khilji was the last ruler of the Khilji dynasty. And here comes the end of Khilji dynasty. Yaad rakhiyega ki aage hai apna. तो पहले हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद में हम देखेंगे देखा हमने खिलजी डायनेस्टी एंड नाउ वी विल सी तुगलक डायनेस्टी. तो तुगलक डायनेस्टी ही वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक एंड हिज रियल नेम वॉज गाजी मलिक. तो गियासुद्दीन तुगलक वॉज फाइन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट उसका बेटा जो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक उसने मार डाला था अपने बाप को और उसने क्या किया था षड्यंत्र जो पवेलियन बनाया था जो गियासुद्दीन तुगलक जो था वो कुछ बैटल जीत के आ रहा था तो वो बैटल जीत के आ रहा था तो सेलिब्रेशन में पवेलियन बनाया गया था और पवेलियन ऐसा बनाया गया था कि वो गिर जाए और गियासुद्दीन मर जाए. ओके एंड व्हाट वी सी इज दैट गियासुद्दीन फाउंडेड तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली and this was the third city. Second city हमने देखा Siri which was founded by Alauddin Khilji near Qutub Minar. And this Ghiyasuddin Tughlaq was the first sultan to start irrigation works. Ghiyasuddin Tughlaq was succeeded by his son MBT. Okay, MBT is considered as the single most responsible person for the decline of Tughlaq Sultanate. क्यों ये बंदा एकदम कंफ्यूज था. ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स. ही वॉज द वाइजेस्ट फूल. ही वॉज अ पागल पदूषा अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉज एंड प्रेडेसर ऑफ अकबर इन इंटेलेक्ट एंड रिलीजियस मैटर्स. ये भाई इब्न बतूता पता है ना ये मोरक्को का ट्रेवलर था जो तभी आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम. उसने इसको डिस्क्राइब किया है एज अ इल स्टार्टेड आइडियलिस्ट. क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. व्हाई क्यों क्योंकि फिर वो बाहर से मंगल अटैक करते थे तो दिल्ली सेफ रहनी चाहिए मतलब कैपिटल सेफ रहनी चाहिए इसलिए शिफ्ट कर दिया देवगिरी की तरफ दौलताबाद में 1327 में या तो लेकिन वो डिजास्ट्रस साबित हुआ. एंड देन ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर. ओके नेक्स्टली एडवर्ड थानास डिस्क्राइब हिम एज द प्रिंस ऑफ मनियर्स. ओके मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सेडेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट गाय हू इंट्रोड्यूस जजिया. व्हाट इज जजिया. जजिया इज अ रिलीजियस टैक्स फॉर द फ्रीडम ऑफ वर्शिप. ही इम्पोज्ड इट अपॉन द ब्राह्मिन्स. ही बिल्ड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन दिल्ली. फिरोज शाह कोटला सुना होगा क्रिकेट क्रिकेट यस. It was built by him at the ground, the city.
And the gate of the way of the gateway of Firozshah Kotla is known as Khuni Darwaja or the Bloodstained Gate. It was constructed by Sher Shah Suri. He transplanted two Ashokan pillars to Firozabad. Kisne? Firozshah Tughlaq ne. He was the author of Fatuhat-e-Firozshahi. After Firozshah Tughlaq, aa gaye kaun? Nizamuddin Muhammad. It was during this time Nizamuddin Muhammad, Tab Timur, a Turkish conqueror of Tatar tribe from Samarkand, attacked India in 1398. Timur appointed Khizr Khan the governor of Multan, his authority in India. So that was about the Tughlaqs. Now we move towards the what? Sayyid dynasty. See, Sayyid dynasty was founded by Khizr Khan, and सैयद डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. वो लोग बहुत कम टाइम के लिए भी थे और कुछ आर्किटेक्चर में भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है. एंड लेटर ऑन वी सी द लोधी डायनेस्टी, एंड बेलो लोधी वॉज द गाय हू फाउंडेड आउट द लोधी डायनेस्टी, एंड ही बिलोंग्ड टू द शाहू खेल क्लैन ऑफ द लोधी पश्तून ट्राइब. देन वी हैव द सिकंदर लोधी वॉज द सन और बेलो लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा. याद रखिएगा, आगरा फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी, एंड दैट वाज मेड हिज कैपिटल. एंड ही इंट्रोड्यूस गस ए सिकंदरी. तो व्हाट इज दिस गस ए सिकंदरी? इट्स 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड ये फील्ड्स. तो पीछे हमने देखा है कि कल्टिवेशन के जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निकाला था, लेकिन ये सिकंदरी गज़े सिकंदरी करके कुछ निकाला है इन लोग ने. फिर आते हैं इब्राहिम लोधी. ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, क्योंकि युद्ध हुआ, युद्ध बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर एट द फर्स्ट, इट्स नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. सो देर आर थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत. फर्स्ट वन वॉज दिस, देन सेकेंड वॉज बिटवीन द अकबर एंड द हिंदू किंग हेमू, and third was between Ahmad Shah Abdali from Afghanistan and the Marathas. So the Marathas lost it in the second battle. It was the Hemu king who lost it, and in the first battle it was Ibrahim Lodi who lost it. Okay, now we'll see to the south. What is in the south regarding the medieval India? In medieval India we have the Bahamani kingdom. So ye Bahamani naam kaise aaya? तो जो बहामनी किंगडम जिसने फाइंड किया था, इसके माँ बाप नहीं थे, आई डोंट नो, मीन्स नहीं थे, लेकिन एक ब्राह्मण फैमिली ने इसको अपनाया था, इसको पाला पोसा था. तो उनके याद में, एक्चुअली दिस गाय वॉज मुस्लिम, बट ब्राह्मण फैमिली डिड ऑल हिज थिंग्स, सो इन देयर सम्मान ही गेव द नेम टू हिज किंगडम एज बहामनी किंगडम. And so basically we have the Bahamani kingdom of Gulbarga. This was a mighty state, and other is the Vijayanagar empire. So what we see is that the Bahamanis were the Muslim rulers, while the rulers of Vijayanagar were Hindus. Okay, and Bahamani kingdom was founded by Jafar Khan. ये Jafar Khan की मैं बात कर रहा था. And he took the title of Alauddin Bahman Shah. He selected Gulbarga as his capital. किधर है? कर्नाटका में. ऐसा ना बाद उसको रीनेम कर दिया. There were total 18 sultans, and Muhammad Gawan was the famous minister of the Bahamani kingdom. And then we see that in 1527 this Bahamani kingdom was broken down into 5 independent principalities. So we have the Adil Shahs of Bijapur, with the founder Yusuf Adil Shah, and the Nizam Shahis of Ahmednagar, whose founder was Malik Ahmed, then the Imad Shahis of Berar, whose founder was Fatehullah Imad Shanti, then the Qutub Shahi kingdom of Golconda, whose founder was Qutub Shah, and the Barid Shahis of Bihar, whose founder was Amir Ali Barid. तो ये को जो है वो मैच द कॉलम में आ सकता है. जैसे आदिल शाह थे बीजापुर के, निज़ाम शाह थे अहमदनगर के, इमाद शाह थे बेरार के, कुतुब शाह थे गोलकोंडा के, बरीद शाह थे बिदर के. तो ये थोड़ा याद रखिएगा, दैट कैन कम एज एन एमसीक्यू. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
जो आदिल शाह था, मोहम्मद आदिल शाह, ही बिल्ट गोल गुम्बज, एंड वो गोल गुम्बज वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम एट बीजापुर, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट. ओके. एंड महमूद शाह वॉज द गाय हु बिल्ट द सिटी ऑफ हैदराबाद, विच ऑल्सो कॉल्ड एज भाग्यनगर. सो भाग्यनगर आज भी है हैदराबाद में, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे कुछ 2-3 सालों पहले. एंड बेरार स्टेड आउट ऑफ द बैटल ऑफ तलिकोटा. तो बैटल ऑफ तलिकोटा जो था वो बेसिकली ये सब पांच के पांच थे, बेरार छोड़ के वो सब मिलके आए थे, एंड दे फॉर्म्ड अ यूनियन अगेंस्ट द विजयनगर एम्पायर, एंड इन विच द विजयनगर लॉस्ट एंड दिस गाइज वन. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द विजयनगर एम्पायर एंड द फाउंडर्स वर हरिहर एंड बुक्का. तो हरिहर एंड बुक्का वर बेसिकली हिंदूज एंड दे वर कन्वर्टेड इन टू मुस्लिम्स, बट लेटर ऑन दे वर अगेन रिकन्वर्टेड देमसेल्व्स इन टू हिंदूज एंड दे फाउंड द विजयनगर एम्पायर. एंड हु आर दे? दे वर बेसिकली द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ द काकाटिया रूलर प्रताप रुद्र देवर टू ऑफ वरंगल. दे फाउंडेड द डायनेस्टी इन 1336 एंड द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर, एंड दे मेड द कैपिटल एज विजयनगर विद द हेल्प ऑफ द सेंट विद्यारण्या. ओके, विजयनगर किंगडम लास्टेड फॉर 230 years, एंड आई विल टेल यू दिस वॉज द बेस्ट टाइम एज फार एज आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स इज कंसर्न. एंड वी हैव द संगमा, देन द सलुवा, द तुलुवा, अरबिदु एंड द कृष्णदेव राय वॉज वन हु वॉज वेरी फेमस फॉर इन द विजयनगर एम्पायर. And he belonged to the Tuluva dynasty. और इनके time में आए थे Italian traveler Niccolo Contini, who visited his port. Krishnadev Raya is also known as Andhra Bhoja. Okay, and he wrote Usha Parinayam and Amuktam Malyada. Okay, fine. And Telugu poet थे इनके time में Allasani Pidanna. He is considered Andhra Kavita Pitamaha. And he had a famous scholastic assembly called as the Ashtadighas. तो आठ, जैसे नवरत्न थे अकबर के वैसे इसके थे Ashtadighas. तो I know this is kind of a boring, but mains में actually इस बार question आया था विजयनगर empire, they were great patrons of literature, so write about it. So I know you have to know it, right? And many foreign travelers came during the Vijayanagara Empire. One was Niccolo Contini, and he was from Italy, and he visited during Devraya I. Then there was Abdul Razak. No, not that, the Pakistani bowler. This Abdul Razak is was the ambassador of Sultan Shahrukh, and he visited the court of Devraya II. Then we have the Domingos Pais, who visited Krishna Devraya's court. And we have Ferrano Nunes, he was a Portuguese and he visited Achyut Rayas again. Then we have the Durate Barbosa, and he visited Krishnadev Raya's court. And then Nikitin, who was a Russian, and he wrote the Voyage to India. Okay, now we have ended with the Sultanate and the Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire ke bare mein aur kuch batao ki जैसे उनका आर्किटेक्चर था, तो इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशियंट होयसलास, एंड हॉर्स वॉज अ मेजर फीचर विच वॉज सीन इन देयर आर्किटेक्चर, एंड देन दे हैव मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, एंड दे वर काइंड ऑफ दे टुक सम इस्लामिक फीचर्स एंड हिंदू फीचर्स इन टू देयर आर्किटेक्चर, सो इट वॉज काइंड ऑफ अ सेकुलर आर्किटेक्चर. देन ड्रविडियन एंड Nagara architecture were mixed, and what we see is we have various important places in Vijayanagara Empire, like the Hampi, you must be knowing. And then what I can tell you is that there were 7 important borders around the fort, so the kind of building of fort was also magnificent. And okay, that was it. Now we'll go for the Mughal Empire. So the Mughals was originally the Turks, you know that, and they belong to Chagatai branch of
तुर्किश रेस। तो कौन आया था? बाबर आया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी में हराया था। दिस वॉज नोन एज द सेकेंड क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। द फर्स्ट क्लासिकल एज इज ऑफ द गुप्तास। क्लासिकल क्यों? क्योंकि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब ये पीरियड में फ्लरिश हुआ। जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम में ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ, वो अभी फ्लरिश हुआ। वैसे ही गुप्ताज के टाइम में भी फ्लरिश हुआ था, इसलिए हम लोग इसको क्लासिकल एज कहते हैं। तो मुगल एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज द तिमुरुद एम्पायर, एंड बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन टू अमीर तिमूर। तिमूर आया था ना भाई वो। एंड मुगल एम्पायर्स आर 20 नंबर, मतलब आए एक दूसरे को काटे कुटे और ऐसे 20 है। वो पहले 6 जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। पहला था बाबर, फिर था हुमायूं, फिर था अकबर, फिर था जहांगीर, फिर था मोहम्मद शाहजहां, एंड फिर था औरंगजेब आलमगीर। तो याद रखना है तो याद रखिए बी एच ए जे एस ए, भजसा, बी एच ए जे एस ए, बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके, फर्स्ट वॉज बाबर, एंड दिस गाय रूल फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड ही वॉज द 5th डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन फादर साइड। तो फादर वाला साइड जो है वो तिमूर से टर्किश आता है। ओके, एंड 14th डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान ऑन मदर साइड। तो ये हाइब्रिड था, समझो ऐसे मेट्रिनियल साइड से चंगेज खान की मदर साइड से और फादर साइड से तिमूर। ओके, एंड ही वॉज बॉर्न इन फरजाना इन टर्की ऑन 14 फेब। वाओ, एंड वॉज अ सन ऑफ उमर शेख मिर्जा एंड कुलिक निगर खनू। ओके, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नाउ वॉट वी सी इज ही बिकेम द रूलर ऑफ समरखंड एट द एज ऑफ 11। ग्रेट, एंड ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504, एंड देन ही अटैक्ड 5 times इंडिया फॉर द वॉन्ट ऑफ वेल्थ। हिज फर्स्ट अटैक वॉज इन 1519। Bera was the first place he had captured, not that important. And as we see, the first battle of Panipat. Then he defeated Rana Singh of Mewar in the battle of Khanwa. Then we have he fighting with the Rajputs and under the Medini Raj of Malwa, the Rajputs fought against Babur, but they were defeated at the battle of Chanderi. सो ये बैटल्स ज़रा देख लीजिएगा। पहले था बैटल ऑफ पानीपत 26 में, फिर 27 में बैटल ऑफ खनवा हुआ, 28 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ, और फिर बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 में अफगान्स के खिलाफ। एंड देन इन 1530 वी हैव बाबर डाइंग एंड ही वॉज क्रिमेटेड एट काबुल। तो आई डोंट नो वेदर दे विल आस्क इट और नॉट, बट मे बी क्रोनोलॉजी आ सकती है। फेयर इनफ चांसेस, नॉट दैट इट विल कम, बट मे बी, लेट्स सी। बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी इन इंडिया। ही इज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड एज तुजुकिक बाबुरी और बाबुरनामा विच वॉज रिटन इन टर्किश। बाप का साइड टर्किश, मदर साइड चंगेज खान। देन बाबर्स मदर टंग which was Turkish, and Baba said I don't like India and Indians. Great, that's why he killed so many people. Okay, Babur was the first Mughal ruler to keep in hand Kohinoor diamond, and Babur was a contemporary of Krishna Dev Raya of Vijayanagar. Niche wala Vijayanagar yaad hai na, wo tabhi ka contemporary tha. Okay, now we move towards the Humayun. Jo the, he born in 1507 in Kabul. And okay, fine, then he became the Mughal ruler at the age of 23. Okay, he divided the empire among his brothers Akskari, Hindal and Kamran, not that important. And the word Humayun means fortunate. The Humayun is considered as the most unfortunate Mughal emperor. Humayun is considered as the most unfortunate. Kyun? Kyunki bahut kam time tak rule kiya, तब अटैक किया गया था शेरशाह सूरी से, एंड ही वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539,
And later on, Sher Shah was defeated by Humayun in 1540 in the Battle of Kannauj. तो पहले हुआ C, that's चौसा, फिर हुआ K, that's Kannauj. And then we have, after the lapse of 15 years, Humayun recaptured empire by defeating the last Sur leader Sikandar Shah Suri by the Battle of Sirhind. तो चौसा और कन्नौज में हुमायूं हार गया और बाद में फिर जीता सिकंदर शाह सूरी को हरा के सिरहिंद में. ओके एंड ही रूल्ड ओनली फॉर 6 months आफ्टर दैट. और फिर लाइब्रेरी से स्टेयरकेस से गिर गया. एंड सो एक टेम्पररी एक्लिप्स आता है मुगल रूल में 1540 से 1555 में. ओके एंड देयर वाज एन एक्सीडेंट एज आई हैव सेड. लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से गिर गया था एंड दिस लाइब्रेरी वॉज नोन एज शेयर मंडल. ओके एंड ओके फाइन. एंड देन हुमायूं बायोग्राफी वॉज हुमायूं नामा जो उसके बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था. एंड द लैंग्वेज यूज टू राइट दिस बायोग्राफी वॉज अ मिक्सचर ऑफ टर्किश एंड पर्शियन. तो बाबर का तो पूरा टर्किश में था, ये मिक्स था. एंड हुमायूं बिल्ड द सिटी ऑफ दिनपाना वर्ल्ड रिफ्यूज इन दिल्ली. एंड हुमायूं टूम इज सिचुएटेड इन दिल्ली, फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया हैविंग डबल डोम्स. तो डबल डोम्स जो थे वो मुगल टाइम में स्टार्ट हुए. पहले इस दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सिर्फ सिंगल डोम हुआ करते थे और वो भी स्टार्टिंग में तो फॉल्स डोम हुआ करते थे, लेकिन बाद में थोड़ा डेवलप होते होते फिर अभी डबल डोम पे आ गए लोग. तो डबल डोम आपको कैसे बताओ कि एक डोम रहता है और वो डोम के ऊपर और एक डोम रहता है, तो इट्स डबल डोम. ओके एंड वट आई कैन से इज हुमायूं टोम इज नोन एज द प्रीडेसर ऑफ ताजमहल बिकॉज ताज वॉज मॉडल्ड आफ्टर दिस. ओके हुमायूं का जो टोम था वो ताज का मॉडल मिलता जुलता है. एंड इज ऑल्सो नोन एज द डॉर्मेटरी ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर एंड मिरक मिर्जा घियास इज इट्स आर्किटेक्ट. नाउ वी मूव टूवर्ड्स अकबर द ग्रेट, फादर हुमायूं, मदर हमीदा बानू बेगम, स्टेप मदर मागम एंड गार्डियन वॉज बैरम खान एंड द फर्स्ट गार्डियन वॉज मुनीम खान. तो जैसे कि एज ऑफ 14 में ही कॉट थ्रोन एंड हेमू वॉज द किंग जिसके साथ इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड खेला था और ही किल्ड हेमू इन दैट बैटल. एंड अकबर बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18 इन 1560 आफ्टर डिसमिसिंग बैरम खान. तो बैरम खान जो था ही वॉज द गार्डियन एंड बैरम खान वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अकबर, बट अकबर वॉज स्मार्ट देन बैरम खान. ही डिसमिस्ड बैरम खान, ही सेंड हिम टू हज एंड ही बिकेम द रूलर. ही लेटर ऑन मैरिड बैरम खान्स विडो सलीमा बेगम ग्रेट. इन 1561 ही डिफिटेड द म्यूजिशियन सुल्तान ऑफ मालवा बाज बहादुर. तो मालवा का जो सुल्तान था बस बहादुर उसको हरा दिया. फिर 62 में अकबर ने जोधाबाई के साथ शादी किया एंड जोधाबाई वॉज द डॉटर ऑफ राज भारमल ऑफ आमेर अम्बेर. ओके एंड इन 1564 ही अबॉलिश द रिलीजियस टैक्स जजिया. एंड सी जजिया हु इंट्रोड्यूस्ड इट, फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस्ड इट. हु गॉट रीड ऑफ इट, अकबर गॉट रीड ऑफ इट. सो दिस वॉज फॉर यूनिटी अमंग द पीपल. In 1572, he captured Gujarat and in memory of that, he built the new capital city, Fatehpur Sikri. So, it basically means city of victory near Agra. Okay, and then we have the early name of Fatehpur Sikri was Sikri. Okay, Bulan Darwaza is the gateway of Fatehpur Sikri built by Akbar. Alai Darwaza, Kutub Minar ke saamne hai. Kisne banaya tha? Alauddin Khilji ne banaya tha. ये बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था जो है गेटवे ऑफ फतेहपुर सिकरी. खूनी दरवाज़ा भी था एक जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, पीछे है याद रखिएगा. इन 1575 कंस्ट्रक्टेड अ प्रेयर हाउस इन फतेहपुर सिकरी नोन एज द इबादत खाना. एंड इन 1579 ही इशूड द इनफेलिबिलिटी डिक्री बाय विच ही मेड हिमसेल्फ द सुप्रीम हेड ऑफ रिलीजियस मैटर. तो मैं हूँ इनफेलिबिलिटी और मतलब मैं हूँ राजा और मैं ही हूँ सुप्रीम इन रिलीजियस मैटर्स ऑल्सो. तो इसने निकाला था दीन-ए-इलाही
करके एक रिलीजन खुद का. एंड ड्यूरिंग हिज टाइम द फर्स्ट जेजुआइट मिशनरीज केम एंड रैल्फ विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच इंडिया एंड ही रीच अकबर्स कोर्ट. ये कौन था? ही वॉज नोन एज अ पेनर इंग्लिश मैन और अ टॉर्च बेयरर इंग्लिश मैन. एंड इन 1582 ही फाउंड आउट द इलाही विच मीन्स डिवाइन फेथ एंड विच स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पीस एंड मोनोथिज्म एज अ न्यू रिलीजन. एंड ही स्टार्टेड द न्यू कैलेंडर कॉल्ड इलाही कैलेंडर. इन 1576 अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी. एंड इन हल्दीघाटी किधर है? इट्स अ माउंटेन पास इन अरावली हिल्स इन राजस्थान. ओके, नाउ वी सी दैट इट वॉज ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम दैट द पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1604. अकबर वॉज द मुगल एम्परर वैन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बींग फाउंडेड इन 1600. अकबर डाइड इन 1605. हिज टोम इज एट सिकंदरा नियर आगरा. Okay, he was an illiterate person, but he was a patron of men of eminence. That's why we call him great. He maintained a scholastic assembly in his fort. He had Navratna, and these guys were as Abul Fazal. Who was Abul Fazal? He was a court historian, and he wrote Annie Akbari and Akbarnama. Then we have the Abul Faizi. He is a Persian poet. एंड अबुल फजल जो था ऊपर वाला उसका ही भाई था ये. ही ट्रांसलेटेड महाभारत इन टू पर्शियन इन द नेम ऑफ रजाम नामा. एंड भास्कराचार्य मैथमेटिकल वर्क लीलावती इन टू पर्शियन. भास्कराचार्य आपको पता है उन्होंने मैथमेटिकल वर्क किया था और अपनी बेटी लीलावती के नाम पे उसका बुक का नाम रख दिया था. ओके, नाउ वी हैव मिया तानसेन. तानसेन मिया क्या थे? ही वॉज अ सिंगर एंड ही कंपोज द रागा then Raj Darbari in honor of Akbar. तो कहते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो बारिश आती थी, बाढ़ आती थी, स्टॉर्म आता था, तो वो राग जो थे ऐसे गाते थे कि आई डोंट नो ऐसा था. ग्वालियर घराना कहते हैं मेनली वो. एंड देन वी हैव बिरबल. एंड बिरबल इज नेम रियल नेम वॉज महेश दास. एंड यू हैव अकबर बिरबल स्टोरीज. एंड He was killed in a war. Yes. And Raja Todarmal was Akbar's finance or revenue minister. He formulated Akbar's revenue system, Zabti and Vaishala. And Todarmal also translated Bhagavad Purana into Persian. So basically Todarmal jo the wo Sher Shah Suri ke time mein kaam karte the. Lekin Akbar was a guy who liked his work and then he recruited him to in his empire. Then we have Maharaja Mana Singh and he was the military commander of After Akbar. We have Jahangir and then we have Shahja. So Jahangir and Shahja, Jahangir ke time mein painting ko bahut badhava mila. And Mughal painting mein ek hai ki animals aur natural beauty, secular art वगैरह काफ़ी कुछ आया था. तो नेचुरली हम देखेंगे कि जो पेंटिंग्स थे मोस्टली इंडिया में, जैसे राजपूत पेंटिंग हो, पहाड़ी पेंटिंग हो या और कोई पेंटिंग हो, तो मोस्टली इसमें थीम जो थे वो रिलीजियस थीम्स हुआ करते थे और ज़्यादातर राधा कृष्ण डिपिक्ट किया करते थे. लेकिन ये अपना मुगल के पीरियड में ऐसा था कि नेचुरल ब्यूटी, एनिमल्स वगैरह आने लग गए पेंटिंग्स में. एंड इवन किंग्स वर ड्रॉन ड्यूरिंग दिस पेंटिंग्स. तो दैट वॉज ऑफ जहांगीर. एंड देन वी हैव शाहजहाँ. एंड शाहजहाँ यू नो ही बिल्ट दिस थिंग ताजमहल. एंड यू नो दिस गाइज हैड फाइट विद द सिक्स एंड सिख राजाओं, सिख जो गुरु थे उनके साथ फाइट हुआ करती थी. एंड लेटर ऑन वी हैव द औरंगज़ेब. और औरंगज़ेब हम पे थे शाहजहाँ को उसने डाल दिया जेल में और जेल में ऐसा डाल दिया कि उसको ताजमहल वो जेल से दिख जाए ऐसा. एंड औरंगज़ेब का भाई दारा शिको, वो दारा शिको जो था ही वॉज अ लिबरल गाय, सेकुलर गाय. एंड दारा शिको वॉज अ ग्रेट स्कॉलर टू. ही हैड रेड मैनी हिंदू लिटरेचर. एंड इफ ही वुड हैव बीन द मुगल एम्परर हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट टूडे. बट येस दैट इज द रियलिटी दैट दारा शिको वॉज बिहेडेड
by Aurangzeb, and Aurangzeb beheaded him, and उसका जो मुंडका था, सिर था, वो गिफ्ट कर दिया था शाहजहाँ को जेल में कि ले तेरा फेवरेट पुत्र, अभी खेल उसके साथ ऐसे. और नाउ वी हैव औरंगजेब हु मेड हिमसेल्फ द पादुशाह इन 1658, बट इज एक्चुअल कोरोनेशन कंडक्टेड इन 1659. आलमगीर वॉज इज नेम, बट ही अडॉप्टेड द नेम औरंगजेब वेन ही बिकम द पादुशाह. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द जिंदा पीर और द लिविंग सेंट, आई डोंट नो वाई, बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफ. ओके, ही बैंड डांस एंड म्यूजिक, तो डांस म्यूजिक कुछ नहीं करने का. और ऐसा कहा जाता है कि ही यूज टू व्यू हिज ओन स्कल कैप, तो स्कल कैप व्यू कर व्यू करके वो बेचता था और उसी पैसे पे वो जीता था. ओके, सो ही वॉज नोन फॉर हिज सिंपल लाइफ एज इज कॉल्ड द जिंदा पीर, एंड ही आउटस्टेटेड ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज कोर्ट. सो मुगल एम्परर जो सेकेंड क्लासिकल एज कहा जाता था, वो औरंगजेब में कुछ क्लासिकल रहा ही नहीं था, क्योंकि पेट्रोनेज खत्म. एंड यू नो दिस थिंग की जिसके वजह से क्या हुआ कि मुगल एम्परर से सब आर्टिस्ट और वो सब बाहर चले गए, तो वो आउट ऑफ औरंगजेब एरिया चले गए. और इसके लिए अलग अलग स्कूल्स जो है राजपूत के, पहाड़ी जो है, अलग चीज़ें हैं, तो वो सब तभी से फ्लरिश हुए. ओके, एंड दिस वॉज औरंगजेब वॉज द गाय, ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु गुरु तेज बहादुर बिकॉज ऑफ हिज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट इस्लाम. इस्लाम कबूलो, नहीं तो हम भेड़ करेंगे. ओके, और कर दिया. एंड तेज बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड एट चांदनी चौक, यू मस्ट बी नोइंग दैट. इन 1679 औरंगजेब कंस्ट्रक्टेड द टूम ऑफ हिज ओन वाइफ, हिज ओनली वाइफ, रुबिया दौरानी एट औरंगाबाद, एंड इट इज़ नोन एज बीबी का मकबरा, एंड इट इज़ अदरवाइज नोन एज मिनी ताजमहल. इट वॉज अ ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ ताजमहल, एंड इन द सेम ईयर ही री इम्पोज जजिया. तो जजिया जो अकबर ने निकाल दिया था उसको री इंट्रोड्यूस किया था ये औरंगजेब ने. और हम और क्या कह सकते, ही कॉल्ड शिवाजी अ माउंटेन रैट एंड गेव हिम द टाइटल राजा बिकॉज ऑफ हिज गुरिल्ला टैक्टिक्स. In 1660 उसने शाइस्त खान को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शाइस्त खान के फिंगर्स काट डाले शिवाजी ने. कहाँ पे? लाल महल में, पूना में. लेटर इन 1665 द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन महाराजा जय सिंह ऑफ आमेर एंड शिवाजी एंड जय सिंह वॉज डिप्यूटेड बाय औरंगजेब. तो ये एक तय हो तो यानी कि ट्रीटी हुआ था शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, मतलब महाराजा जय सिंह जिसको औरंगजेब ने भेजा था उसके बीच में. एंड औरंगजेब वॉज द ओनली मुगल एम्परर हु डिड नॉट ड्रिंक, ही वॉज नॉट अ ड्रंकर्ड. एंड औरंगजेब इज कंसिडर्ड एज अ रिलीजियसली फेनेटिक, ही वॉज अ टेम्पल ब्रेकर, परसिक्यूटेड द हिंदूज एंड इम्पोज प्रोहिजन अगेंस्ट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ होली एंड दिवाली. न म्यूजिक न गाना, न होली न दिवाली. औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर. औरंगजेब टूम इज सिचुएटेड इन दौलताबाद. बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, इसका टूम दौलताबाद में. महाराष्ट्र में ही 18 साल इधर चोला 18 साल शिवाजी महाराज को हराने के लिए रुका, लेकिन एंड तक हरा ना पाया. लेटर मुगल्स, अभी जैसे औरंगजेब मर गया तब से मुगल एम्परर एकदम डिक्लाइन पे चला गया और डिक्लाइन पे चला गया. और फिर पहले लेटर मुगल में आते हैं बहादुर शाह वन, और बहादुर शाह का रियल नेम था मुआज़्ज़म. ओके, दैट्स डबल जेड, ओके, नॉट एस. हिज रियल नेम वॉज मुआज़्ज़म. ओके, देन इन 1739 नादिर शाह अटैक्ड इंडिया. He was a Persian conqueror, and during that period, the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila, he took away Shahjahan's famous and Nadir Shah took away Shahjahan's famous peacock throat and the Kohinoor diamond. So Nadir Shah attacked, किया, लूट लिया, रक्त बहाया और Shahjahan का peacock throne और Kohinoor diamond लेके भाग गया.
फिर आए उसका अहमद शाह. अहमद शाह जो था ही वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ये अकबर शाह टू जो थे उन्होंने कन्फर किया था राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय पे. तो राम मोहन रॉय तो राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया था एंड बेसिकली ही वॉज एन एम्बेसडर अपॉइंटेड बाय अकबर शाह हु वेंट टू इंग्लैंड एंड लेटर वी सी बहादुर शाह टू ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर एंड बहादुर शाह टू 1857 वाला राइट. ही वॉज अ ब्लाइंड गाय ही वॉज अ पोएट देन ही वॉज थ्रोन अवे बाय द मुगल अपना ब्रिटिश ही वॉज सेंट टू रंगून. ओके यू नो दैट दैट विल कम इन मॉडर्न इंडिया एंड यस ही वॉज सरेंडर्ड टू लेफ्टिनेंट डब्ल्यू एस आर हुडसन एट द हुमायूं टूम इन दिल्ली एंड डिपोर्टेड टू रंगून एंड द टूम ऑफ बहादुर शाह इज इन पिंगमना द कैपिटल ऑफ म्यांमार. बहादुर शाह टू वॉज ऑल्सो फेमस उर्दू पोएट आई हैव टोल्ड यू एंड ही वॉज कॉल्ड ए जफार. सो जफार मीन्स अ गिफ्टेड पोएट. यस नाउ वी मूव टू द मराठा. मराठास वॉज फाउंडेड बाय छत्रपति शिवाजी. द मराठास बिकेम द प्रोमिनेंट इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड शाहजी भोसले एंड जीजाबाई वर द पेरेंट्स ऑफ शिवाजी. शाहजी भोसले वॉज बेसिकली मिलिट्री कमांडर अंडर निजाम शाह रूलर ऑफ अहमदनगर एंड लेटर द बीजापुर बट इट वॉज शिवाजी हु वॉज अगेंस्ट द मिसरूल ऑफ दिस निजाम शाह एंड द आदिल शाह एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही फॉट एंड वन स्वराज. हिज ट्यूटर वॉज दादाजी कोंडदेव एंड हिज मदर एंड दादाजी कोंडदेव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शिवाजी's upbringing as a fighter, as a ruler, as a great administrator. And Shivaji Maharaj received the help of Mawlas. So there was a Mawli tribe and he made friends and he made a small army and he captured territories of Bijapur Sultan. So Torna was the first fort which he captured in 1646. And Shivaji came in conflict with the Mughals for the first time in 1657 during the time of Shah Jahan. In 1659, Bijapur Sultan Adil Shah sent Afzal Khan to kill Shivaji, but Shivaji killed Afzal Khan. In 1660, Aurangzeb deputed his viceroy of Deccan, Shaist Khan, to kill Shivaji. But Shivaji Maharaj cut his fingers. And then we see the treaty of Purandar between Raja Jai Singh and Shivaji. In 1666, Shivaji visited Aurangzeb in Agra, but he was insulted by Aurangzeb, and Aurangzeb insulted him, and he imprisoned him in Jaipur Bhavan. So he and his son were in Jaipur Bhavan, and it was in 16th June 1675. But Shivaji Maharaj escaped from Jaipur Bhavan. In 1674, he was crowned himself as the Chhatrapati and he assumed the title Hindavada Haidavada Smodharak. Okay, Shivaji Maharaj died in 1860 at the age of 53. Shahu became the Chhatrapati in 1708 and his period witnessed the rise of Peshwaship. So, you know, this Shambhaji was later on killed by Aurangzeb. Aurangzeb forced even Sambhaji to accept Islam, but Sambhaji refused, so Aurangzeb tortured him, he blinded him, he gave many injuries to him, but Sambhaji did not agree still to accept Islam, and later on he died. So that was really great. And what we see is then Shahu Maharaj was taken captivated by Aurangzeb. But later on, it was in the later Mughal period that he was released, and that was when the rise of Peshwaship took place. So the first Peshwa is Balaji Vishwanath from 1712 to 1720. Then we have Bajirao his son. Then we have Balaji Bajirao I. Then we have Madhav Rao I. So these were the Peshwas, and Bajirao popularized the idea of Hindu Padshahi or Hindu Empire. Balaji Bajirao period
witnessed the third battle of Panipat, in which the Marathas lost very badly, and then afterwards they could not rise again to that might. Madhav Rao was the last Peshwa, and the last great Peshwa, I must say, and the last Peshwa was Bajirao II. And Madhav Rao's period was the time when we see the disintegration of Maratha power. And so we had independent kingdoms. So basically, confederacy bani thi. And this confederacy was like the independent Holkers of Indore. Then we have the Bhosles of Udaipur. We have the Sindhias of Gwalior. You know the Sindhia guy, right? The congressman right now. He is from this family. And then the Gaikwads of Baroda. Then we have Shivaji's council of ministers. It was known as Ashtabratan. So we see how in Shivaji's period we have division of power, we have decentralization, we have the Ashtapradhan. And in Ashtapradhan we have the Peshwa, who is the Prime Minister, the Pandit Rao. Then we have the Sumant, the Sachiv, the Secretary. Then the Senapati, the Amatya, related to the Finance, Mantri, and Nyayadaksha. Nyayadaksha is related to Justice. And Peshwa was the Maratha Chief Minister, okay? And Chauth and Sardeshmukhi were the two special taxes collected by the Marathas. The Chauth means 1/4, okay? 1/4 of the produce must be given as tax. Okay, then we have the first Maratha war between Savai Madhav Rao versus Raghunath Rao with the English support. So basically, this is basically about the modern history, and we'll see it in the greater details later on in another video. Then we have the second Maratha war in 1803 to 1805, and we have the third Maratha war in 1816 and 19. This was basically between the Pindaris and the English. The last great soldier and statesman of Maratha was Nana Fadnavis. So Nana Fadnavis, 1800. Nana Fadnavis is known to have built many good things, and he was also known as womanizer, and the Maratha script was called as Modi script. Okay, Peshwaship was abolished in 1818. Bajirao was the ablest of the Peshwas. Bajirao ke time mein almost pura India Marathas ke under tha. Shivaji did not allow women in his military camp, and basically we see that Shivaji was a greatly tolerant ruler, and women were not kind of injustice did not happen during his time, and Marathas were equipped with an efficient naval system. So Shivaji was an able ruler. He was a visionary. He knew that this Portuguese and British would be a threat to India, so he built a naval system, army, under Kanoji Angri. Now we'll see the Sher Shah Suri. ये अपना miss हो गया था. तो ये जो बाबर और हुमायूं के हुमायूं जो बीच का period था, हुमायूं जब हार गया था चौसा और खानवा का युद्ध, तो वो टाइम में सूरी डायनेस्टी हुआ था. तो शेरशाह ओरिजिनल नेम वाज फरीद, एंड ही वाज बोर्न इन हिसार फिरोसा, एंड हिज फादर वाज हसन खान, एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम अफगानिस्तान. ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ शेर खान फॉर किलिंग अ लायन सिंगल हैंडेड. ग्रेट. Later he became a member of Mughal court of Babur, but Chausa may he defeated Humayun, and for the first time he assumed the title Sher Shah. Later in 1540 he completely defeated Humayun in the Battle of Kannauj. So sorry, that was Chausa and Kannauj, not Khanwa, and he founded the Sur dynasty. While directing the operations of his artillery at Kalanjar against the ruler of Bundelkhand Raja Kirat Singh, Sher Shah was seriously wounded by a sudden fire from his own artillery and he died. He constructed the Grand Trunk Road from Sohar Gao to Attak, which is even today there. So that was an important contribution, I would say. And he introduced the National Highway concept for the first time in India. And the Grand Trunk Road is known as the Sher Shah Suri Mark.
is a part from Delhi to Amritsar and is known as the National Highway 1. Grand Trunk Road is also known as the Long Walk. He was the first ruler to introduce silver rupaiya, and 1 rupaiya is equal to 64 dams, and the gold coin is Ashrafi. He built the Purana Killa in Delhi. Its construction was started by Humayun, but it was completed by this guy, and his first, his own Muslim, that's Tom, is at Sasaram in Bihar. He also constructed the Khuni Darwaza at the gateway of Firoz Shah Kotla in Delhi. And it was during his time that we had Malik Muhammad Jiyasi, who completed his work Padmavat. So you know Padmavat is a work of between the Padmini of Chittor and Aladdin Khilji. His revenue system was excellent, and Akbar's administrative reforms were modeled on his revenue system. He is regarded as forerunner of Akbar. So you know that Todanmal guy, yeah? That guy. Sher Shah was succeeded by his son Islam Shah, and the last Sikh ruler was Sikandar Shah, who was defeated by Humayun in 1555 at the Battle of Sirhind. So, and now we see this important structures. As we see it, you see it, like Ajanta Ellora was built by the Gupta rulers, Agra Fort by Akbar, Aram Bagh by Babur, then we have Diwani Khas by Shah Jah, Dilwara Jain Temple of Siddharaja, then Hauj Khas by Aladdin Khilji, Hawa Mahal by Maharana Pratap Singh, Maharaja Pratap Singh. Humayun's tomb was built by his Humayun's wife. Jama Masjid was built by Shah Jah, and that's the largest masjid in India, I guess. Jagannath Temple was built by Ganga, and then we have Jantar Mantar, Savai Jai Singh. Jantar Mantar is like a astronomical, yeah, it was built in such a way that we could see stars and all that. I don't know exactly, but there are 5 to 6 Jantar Mantars in India. So one was at Delhi, then we had in Udaipur, then Mathura, just check out Ujjain, I guess. Then Jim Corbett Park is in Sir, was built by Sir Malcolm Hillley. Then Jodhpur Fort was built by Rao Jadhoji. Kaneri Fort is in Mumbai, that's great. It was built in by Buddhists. And the Shalimar Garden is built by Jahangir. Then we have Qutub Minar, built by Qutubuddin Aibak. Nahargarh Fort by Savai Jai Singh. Moti Masjid by Aurangzeb in Delhi. And the Moti Masjid built by Shah Jah in Agra. And the Lai Bagh by Haider Ali in Bangalore. So this is basically, you just go through it, it can help you. So thank you very much, and here we finish with Medieval India. It was a kind of a quick revision, maybe it will help you. Please like, comment and share the video. If you want to make me a video on another topic, please write in the comment box. Thank you very much.